स्वामी जी, ये बंदिश सुनकर मुझे याद आ गया, बचपन में हमने भी सीखा था और इसी राग में जागो मोहन प्यारे बंदिश थी। जागो मोहन प्यारे, हाँ। जागो भोरे भई सब निंदिया त्यागो। बड़ा अच्छा लगता है आज संगीत में स्वामी जी शुरुआत हुई है। योग और स्वर की ये जो जुगलबंदी है इससे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। अब राग भैरव की हम बात कर रहे हैं, शरीर को शक्ति मिलती है, मोटापा दूर होता है और ये राग तो भगवान शिव को भी बहुत पसंद है, उन्हीं के नाम पर राग भैरव है। तो शिव तो खुद आदि योगी हैं स्वामी जी, ये संगीत का शरीर पर कैसे असर पड़ता है इसे थोड़ा समझाएं। और योगिक जॉगिंग तो हम कर ही रहे हैं आपके साथ। देखो, चाहे वो हारमोनियम है, चाहे तबला है या बांसुरी है, इन सबसे जो स्वर निकलते हैं वो हमारे 37 trillion सेल्स को एनर्जाइज करते हैं। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स एज ए कंपोजिशन एज डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स, ऊर्जाओं का संघात ही तो है ये पिंड और ब्रह्मांड। और उसमें जो संगीत है ना, वो हमारी आंतरिक नैसर्गिक ऊर्जा को उद्बुद्ध कर देता है। जैसे हमने अभी राग भैरव को ऐसे कोई बंदिश के माध्यम से गा लो, या भी जैसे हम पूरी धनाश्री है, अब इसमें खाली हम बांसुरी बजाएंगे और बांसुरी के साथ थोड़ा उनको सपोर्ट करेंगे हल्का सा तबला के साथ, हारमोनियम के साथ, ऐसे अलग अलग वाद्य यंत्रों के माध्यम से जो हम ये आज संगीत साधना के साथ योग साधना, संगीत में योग, और ये अलग अलग रागों का भी थोड़ा सा परिचय हो जाएगा। संगीत तो हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी विरासत है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना का, और कुछ लोगों को तो पता है कि हमारी बहन मीनाक्षी वो योगिनी तो है ही, लेकिन संगीत में और नाट्य में भी बड़ी सिद्ध हस्त है। तो ये तो ओबिसिटी के लिए मेदो हरबटी वेट गो अश्वगंधा का और अलग अलग प्रकार के उपवासों का हम उपयोग बताते हैं। और थोड़ा ऐसे सवासन कर लो ना और संगीत के साथ कर लो तो हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ना किसी अभाव में, कोई अकेलापन खालीपन सोनापन नहीं, ना किसी दबाव में, ना किसी प्रभाव में, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शब्द अनुप्रास अपनी जगह है, ना दबाव में, ना किसी प्रभाव में, ना किसी अभाव में, ना किसी दबाव में, अपने स्वभाव में जीना है। और ऐसे ये जो संगीत है ना, ये तो मैंने दो रागों की चर्चा की, जैसे राग मालकोस बड़ा प्रसिद्ध है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जब कभी मन बेचैन हो जाए तो एक बहुत प्रसिद्ध सी बंदिश है, मन तड़पत हरिदर्शन को आज मन, मेरी तुम बिन बिगरे सगर का, भगवान के लिए तड़प विरह अभीप्सा, प्रभु दर्शन की तितीक्षा, ये मुक्ति के साधनों में विवेक वैराग्य षटक संपत्ति मुमुक्षा, प्रभु दर्शन की अभीप्सा, भगवान के लिए जो तड़प होती है ना, भगवान तो सदा हमारे साथ हाजिर नाजिर है, वो हमारे अंग संग ही रहते, अंति संतम न जाते अंति संतम न पश्यते। लेकिन जब इस तड़प के साथ योग कर रहे ना, एक तो सामान्य श्वास उच्छ्वास चल रहा है और एक भजन के साथ संगीत के साथ, तो
एक क्षण में ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति मृगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्तः प्रणश्यति मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर तुम बिन बिगरे सगर काज ओ विनती करत दूर की ओलाज मन तड़प हरि